हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेजेस के बारे में। फ्रेजेस जो कि तीन तरह के हमारे होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या इसके अंदर पेपर में पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है, ये आज हम सारी बात सीखेंगे। अगर आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चन नवाल क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं उसके अंदर और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप आराम से है ना इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले है ना एक बात डायरेक्टली मैं करना चाहूंगा। देखो जिस जो टॉपिक है ना, ये जैसे आपका है ना सेंटेंस एनालिसिस हो गया, सेंटेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है, या मेरे भाई आपका फ्रेजेस से रिलेटेड हो गया, ये आपका क्लोजेस से रिलेटेड हो गया। ये बच्चे सोचते हैं कि ये हमें आते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब आप पेपर देने जाते हो ना, या इसके बाद अगर मैं सेंटेंस इन तीनों की बात करूँ ना, एक क्वेश्चन आ जाता है सिंथेसिस का, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है आपका अंडरलाइन कर दिया उसको आइडेंटिफाई कर दिया, एक क्वेश्चन आ जाता है आपका सेंटेंस मर्जिंग का, ठीक है। तो ये जो तीन से चार तरह के क्वेश्चन है ना, ये आपको बड़ा ही कंफ्यूज करके देते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, या तो बहुत ही सिंपल आएगा या कॉम्प्लिकेटेड आएगा, और ऑप्शंस इतने पास पास होंगे जैसे कि कोई वर्ड देगा दे देगा राउंड। जैसे आज का ही जो टेस्ट है ना, मैंने 17th को डाला है, उसके अंदर मैंने दो क्वेश्चन डाले हैं। ये जो राउंड वर्ड है ना, इसके ऊपर दो क्वेश्चन डाल दिए और दोनों में अलग तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच या फ्रेज का यूज किया गया है। तो आपके इस तरह के क्वेश्चन तभी ठीक हो सकते हैं जब आप इसकी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही नहीं करें, इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अलॉट ऑफ प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तब हमें हमारे क्वेश्चन है ना, देखो डेफिनेटली ठीक तो हो जाते हैं ये, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक नहीं होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हमने टॉपिक की। अब फ्रेज क्या होता है ये मैंने समझा रखा है, दोबारा से वो सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा, फिर भी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, एक वर्ड्स का क्या होता है, ग्रुप होता है जो अपने अंदर बियर करता है इनकम्प्लीट मीनिंग को। यानी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है, जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, यानी कि मीनिंग तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। और ये कंप्लीट जाके कब होता है, जब हम इसको सेंटेंस के अंदर पुट करते हैं, सेंटेंस के अंदर हम उस फ्रेज को यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया रेड हैंडेड, मैंने क्या बोल दिया रेड हैंडेड, या कोई भी और ले लो, सिंपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया अजय एंड अरुण, ठीक है, अजय और अरुण ले लिया, तो यहाँ पे ये एक फ्रेज है। यहाँ पे क्या है, एक फ्रेज है। फ्रेज कैसे है, यहाँ पे एक से ज्यादा शब्दों का यूज किया गया है और उनका ग्रुप बना के यहाँ पे एक फ्रेज बना दिया गया है, इसका इनकम्प्लीट मीनिंग है। लेकिन जैसे ही मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा तो किस में यूज कर दूंगा, सेंटेंस में, अजय एंड अरुण आर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अजय और अरुण की जो अरुण जो है, अजय और अरुण का मीनिंग कब निकल के आता है, जब हम उसको सेंटेंस में यूज करते हैं। बात समझ में आई। तो सीधी सी बात क्या है, फ्रेज क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, अधूरा मीनिंग होता है। जब हम उसके सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका एक पूरा मीनिंग निकल के आता है। अब बात करें ना, तो फ्रेजेस है ना तीन तरह के हैं, हमने अभी अभी बताया, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और नाउन फ्रेज। डायरेक्टली है ना मुद्दे की बात करेंगे, टाइम हमारे पास कम है और हमें ज्यादा चीजें कवर करनी है, तो भाई बहुत ही ज्यादा इलेबरेटिव नहीं होऊंगा मैं इसमें, आपको डायरेक्टली बताने की और पहचानने की कोशिश करेंगे कैसे हमें पहचानना। देखो जिसने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है, वो आज सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पे रोक के सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो जाके देखे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये ही नहीं पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो उसको हम ये चीजें हमें आसानी से समझ में नहीं आएंगी। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर वो क्या काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं।
देखो एडजेक्टिव के बारे में मैंने पहले ही बहुत बार बता रखा है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, क्वालिटी बताता है, यानी कि क्वालिफाई करता है। क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी कि क्या बताता है, वो क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? सीधी सी बात है, वो क्वालिटी बताता है किसी एक नाउन की या प्रोनाउन की। कैसे क्वालिटी बताता है? या तो किसी नाउन की या प्रोनाउन की। अब नाउन की प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हुए उसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो एट्रीब्यूटिवली, ठीक है, कैसे यूज करते हैं? एट्रीब्यूटिवली, यानी कि एट्रीब्यूट की तरह, या प्रेडिकेटिवली। कैसे यूज करते हैं? प्रेडिकेटिवली, यानी कि मेन हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद। एट्रीब्यूटिवली कैसे यूज करते हैं? या तो हम उसको नाउन से तुरंत पहले लगाते हैं, या तो हम उसको नाउन के तुरंत बाद लगाते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट की तरह यूज करते हैं। ये एट्रीब्यूट किसका है? नाउन का। ये एट्रीब्यूट किसका है? नाउन का। तो इसी कंडीशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल देखा था, वाइजर वॉज अ वेल्दी मैन। तो यहाँ पे मैन कैसा है, मैन की क्वालिटी क्या है, वो क्या है? वेल्दी है। तो मैन की क्वालिटी वेल्दी है, तो यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द वाइजर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। बात समझ में आई? अब यहां पे मैंने लिखा मैंने लिखा वेल्दी मैन, ठीक है। अब वेल्दी मैन लिखा, तो मैंने से पहले हमने एडजेक्टिव का यूज कर लिया, यानी कि एट्रीब्यूट की तरह यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक ही वर्ड ये सारी की सारी क्वालिटी बता रहा था, मैन की क्वालिटी वेल्दी बताने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे एक ही वर्ड की जरूरत पड़ी। लेकिन इस वेल्दी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इस वेल्दी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेल्दी वर्ड को मैं डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा? अ ऑफ ग्रेट वेल्थ, यानी कि उसके पास बहुत ही ज्यादा क्या है? वेल्थ है, ठीक है, ऑफ ग्रेट वेल्थ। बात समझ में आई? यानी कि इस एडजेक्टिव को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने दो या दो से अधिक वर्ड्स का यूज किया है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एक फ्रेज हो जाएगा। अब ये फ्रेज किसका काम कर रहा है? ये फ्रेज काम कर रहा है किसी एक एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का। तो भाई ये मैन कैसा है? ऑफ ग्रेट वेल्थ। मैन कैसा है? ऑफ ग्रेट वेल्थ। सीधी सी बात है, 100% जब भी आपको एडजेक्टिव पहचानना होगा, एडजेक्टिव फ्रेज पहचानना होगा, हमेशा याद रखना उस एडजेक्टिव फ्रेज को जब भी हम पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? वो हमेशा नाउन का एट्रीब्यूट की तरह यूज किया जाएगा, हमेशा नाउन के एट्रीब्यूट की तरह यूज किया जाएगा, और वो हमेशा नाउन के तुरंत बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मिल जाएगा। यानी कि दो या दो से अधिक वर्ड्स का एक ग्रुप जिसको हम फ्रेज कहते हैं, अगर वो तुरंत बाद नाउन के लगा है और वो नाउन की क्वालिटी बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। जैसे कि द मजिस्ट्रेट वॉज अ काइंड मैन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। ये प्रेपोजिशन की सहायता से ही हम यहाँ पे नाउन की क्वालिटी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैन कैसा है? काइंड है। काइंड है यानी कि ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव काइंड को कैसे एक्सप्रेस कर दिया? विद अ काइंडली मैन नेचर। अब काइंड क्या बताएगा? उसके नेचर को ही तो बताएगा, हम नेचर को बताएगा, तो विद अ काइंडली नेचर का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। तो मैन के बिल्कुल एट्रीब्यूटिवली इसको यूज किया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल उसके साथ चिपका के इसको यूज किया जा रहा है, यानी कि जिस नाउन की क्वालिटी फ्रेज बता रहा है, बिल्कुल उसके साथ उसको यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज हमने समझ लिया, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जब हम एक साथ यूज करते हैं तो उसको फ्रेज बोलते हैं। जैसे द चीफ लिव्ड इन अ स्टोन हाउस, यानी कि अ हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। सिंपल, स्टोन हाउस। स्टोन हाउस का मतलब क्या है? पत्थर से बना हुआ घर है। तो सीधी सी बात है, उसको हमने एक वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का यूज किया है। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। तो यहाँ पे स्माइलिंग फेस को हमने कैसे बदल दिया? अ फेस विद स्माइलिंग, अ स्माइल ऑन इट। तो विद अ स्माइल ऑन इट का मतलब क्या है? यानी कि स्माइलिंग फेस है, यानी कि ये फेस की क्वालिटी बता रहा है। यहाँ पे देखो, बिल्ट ऑफ स्टोन क्या है? उसकी क्वालिटी बता रहा है। विद अ काइंडली नेचर किसकी क्वालिटी बता रहा है? मैन की क्वालिटी बता रहा है।
इसी तरह कुलीज बिलोंग टू अ हिल ट्राइब, यानी कि अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। यहाँ पे ड्वेलिंग इन द हिल्स क्या है, किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, ट्राइब की। तो सिंपल सी बात है हमारी, ऐसे फ्रेजेस जो नाउन के साथ लगकर नाउन की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। देखो कैसे बदलेंगे, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बहुत ही फेमस आपकी एक बुक है उससे ये सारे एग्जांपल्स उठाए हुए हैं। अ गोल्डन क्राउन, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। देखो इसको गोल्डन क्राउन को हम कैसे लिख सकते हैं, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे क्राउन नाउन हो गया, मेड ऑफ गोल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अ पर्पल क्लॉक, अ क्लॉक ऑफ पर्पल कलर, यानी कि क्लॉक क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन की क्वालिटी बता दिया एडजेक्टिव ने। एडजेक्टिव क्या है, ऑफ पर्पल कलर। अ व्हाइट एलिफेंट, एन एलिफेंट विद अ व्हाइट स्किन। तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी एक एडजेक्टिव को एडजेक्टिव फ्रेज में बदल सकते हैं, सिर्फ उसका नेचर नहीं बदलना चाहिए। अ जंगल ट्रक, अ जंगल सॉरी, अ जंगल ट्रैक, अ ट्रैक थ्रू द जंगल। अ ब्लू आइड बॉय, अ बॉय विद ब्लूज आइज। अ डेजर्टेड विलेज, अ विलेज विदाउट एनी इनहेबिटेंट। सिंपल, ये आपको चेंज करना भी आ सकता है कि इस आप एडजेक्टिव फ्रेज को, इस एडजेक्टिव को आप एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट करो, ऐसे भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अ ब्लैंक पेज, अ प्ले अ पेज विद नो राइटिंग ऑन इट। सिंपल, ब्लैंक क्या होता है, जिसपे कुछ लिखा नहीं होता, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, विद नो राइटिंग ऑन इट। सिंपल, तो पेज क्या हो गया, नाउन हो गया, विद नो राइटिंग ऑन इट क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द लॉन्गेस्ट डे, द डे ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ, ये पेपर में आता है भाई बहुत बार। द स्पेनिश फ्लैग, द फ्लैग ऑफ स्पेन, ऑफ स्पेन क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसमें पहचानने की कोशिश करते हैं। अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। यहाँ पे अ मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज, अब इन ग्रेट डिफिकल्टीज पूरे सेंटेंस में किसके लिए लगा है, मैन के लिए। तो मैन के लिए, मैन की क्वालिटी बताने के लिए किसका यूज होता है, एडजेक्टिव का। अगर एक वर्ड है तो एडजेक्टिव है, एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ही इज अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन, तो बहुत ही ज्यादा वो प्रख्यात है, बहुत ही ज्यादा लोग उसको जानते हैं उसके टैलेंट की वजह से। तो अब पर्सन क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है, अब इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, ही इज अ रेनाउंड पर्सन। सिंपल, ही इज अ रेनाउंड पर्सन हो गया। सिंपल, इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, ऐसे चेंज करना भी आ सकता है, ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वाइल्ड बीस्ट इन स्मॉल केजेस आर ए सॉरी साइट, तो वाइल्ड बीस्ट जो हो गए इन अ स्मॉल केजेस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। चलिए, एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, एडवर्ब फ्रेज वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी एक एडवर्ब का काम करते हैं। अब एडवर्ब क्या काम करता है, देखो एडवर्ब के बारे में बात करें, एडवर्ब क्या करता है, क्वालिटी बताता है, ये भी क्वालिटी बताता है, सीधी सी बात है। किसकी क्वालिटी बताता है, किसी एक वर्ब की क्वालिटी बता देगा, ठीक है, किसी एक एडजेक्टिव की क्वालिटी बता देगा, खुद एक एडवर्ब की क्वालिटी बता देगा, ठीक है, उसके बाद खुद एक एक कंजंक्शन की क्वालिटी बता देगा, उसके बाद किसकी क्वालिटी बता सकता है, किसी एक प्रेपोजिशन की बता सकता है, ठीक है, या पूरे के पूरे एक क्लोज की भी बता सकता है, क्लोज या सेंटेंस की भी बता सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पीछे करवा रखे हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एडवर्ब क्या करता है, बेसिकली क्वालिटी बताता है। अब एडवर्ब में और एडजेक्टिव में क्या फर्क है, एडवर्ब बताता है सभी चीजों की क्वालिटी, सेंटेंस में जो भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं उन सभी चीजों की क्वालिटी बता सकता है, सिर्फ किसकी नहीं बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। और नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है। तो एक ऐसा फ्रेज जो किसी
एडवर्ब की तरह काम करे उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। अब क्या किस चीज का आंसर होता है एडवर्ब? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर होता है हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, व्हेंस, इन सभी चीजों का आंसर क्या होता है? एक एडवर्ब होता है। ही रैन हाउ, हाउ ही रैन, या हाउ डिड ही रन, ठीक है, वो कैसे भागा? ही रैन क्विकली, ठीक है, और क्विकली क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पीड में भागा होगा, तो इसको बदल के हम क्या कर सकते हैं? विद ग्रेट स्पीड। तो भाई अगर क्विकली यूज कर लिया तो एक ही वर्ड है तो एडवर्ब हो गया, एक से ज्यादा वर्ड का यूज किया तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। सिंपल, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। ही आंसर्ड र्यूडली, र्यूडली क्या हो गया आपका? एक वर्ड हो गया तो एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब हो गया, इन अ रूड मैनर। अब इसको इलेबोरेट करके लिख दिया, फ्रेज के रूप में लिख दिया तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। ही डज हिज वर्क केयरलेसली, तो यहाँ पे केयरलेसली किया तो ये एक वर्ड है तो एडवर्ब है, और विदाउट एनी केयर यानी कि ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? कैसे वर्क किया? डज वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, वर्ब की क्वालिटी कौन बता रहा है? केयरलेसली। अब केयरलेसली क्या है? वर्ब की क्वालिटी बता रहा है तो एडवर्ब है, और डज की ही क्वालिटी कौन बता रहा है? विदाउट एनी केयर, विदाउट एनी केयर हमारा क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज में दे रखी है। ही इज कमिंग नाउ, व्हेन ही इज कमिंग, ये नाउ किसके लिए लगा है? कमिंग के लिए। कमिंग क्या है? वर्ब है। वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। और एट दिस वेरी मोमेंट भी किसकी क्वालिटी बता रहा है? कमिंग की। ये भी एडवर्ब हुआ, ये भी एडवर्ब हुआ, फर्क क्या है? ये एक वर्ड है, ये एक फ्रेज है। सिंपल, नो सच डिजीज वर नॉन देन, व्हेन देन, नॉन के लिए लगा है, इन दोज डेज भी नॉन के लिए लगा है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडवर्ब हो गया। द एरो फेल हेयर, कहाँ फेल हुआ? हेयर। ऑन दिस स्पॉट क्या हुआ? फेल। तो दोनों किसकी बता रहे हैं? फेल की, फेल की बता रहे हैं, तो पहला एडवर्ब है, दूसरा फ्रेज है। सिंपल, ही यू कैन बाय इट एवरीवेयर, कैन बाय क्या हो गया? किसकी क्वालिटी, कौन क्वालिटी बता रहा है? एवरीवेयर क्वालिटी बता रहा है, तो इन ऑल प्लेजेस को भी हम लिख सकते हैं, तो इसमें एक वर्ड है, इसमें एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये तो खाली हो गया एडवर्ब, और ये क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज। सिंपल, कोई फर्क नहीं है भाई एडवर्ब में, कोई फर्क नहीं है एडवर्ब फ्रेज में, एक से ज्यादा वर्ड मिलके वो काम कर रहे हैं तो फ्रेज है, और एक ही वर्ड वो काम कर रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच आपका हो जाएगा। यानी कि अगर एक ही वर्ड काम कर रहा है एडवर्ब का तो एडवर्ब है खुद में, और एक से ज्यादा वर्ड है जो एक एडवर्ब का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एडवर्ब फ्रेज लगा देंगे। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे कुछ एडवर्ब दे रखे हैं जिनको हम फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्रेवली क्या हो जाएगा? इन अ ब्रेव मैनर, ठीक है, या ब्रेवरी, विद ब्रेवरी बोल दिया हमने। अनवाइजली क्या हो जाएगा? इन एन अनवाइज मैनर। स्विफ्टली क्या हो जाएगा? इन अ स्विफ्ट मैनर। ब्यूटिफुली क्या हो जाएगा? इन अ ब्यूटिफुल स्टाइल। फॉर्मली क्या हो जाएगा? इन फॉर्मल फॉर्मल टाइम्स। रिसेंटली क्या हो जाएगा? जस्ट नाउ, एट द एट अ रिसेंट डेट। सून क्या हो जाएगा? बिफोर वेरी लॉन्ग, एट एन अर्ली डेट। देयर क्या हो जाएगा? एट दैट प्लेस। ऑलवेज क्या हो जाएगा? टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड। शी लिव्ड, लिव्ड, अगर इस पूरे के पूरे को मैं अंडरलाइन कर दूं तो ये जो आंसर है वो किसका है? वेयर का। शी लिव्ड वेयर? इन द मिडल ऑफ ग्रेट वुड। तो हाउ का, वेन का, और वेयर का, वेंस का, जब भी इनका आंसर आता है तो वो हमेशा किसकी फॉर्म में आता है? एक एडवर्ब की फॉर्म में आता है, क्योंकि वो हमेशा मैनर, टाइम, प्लेस को बताते हैं। तो ये शी लिव्ड वेयर, शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड। अगर ये बोल देता शी लिव्ड इन दिल्ली तो वो क्या हो जाता? या शी लिव्ड हेयर तो एक एडवर्ब हो जाता। ये एक से ज्यादा वर्ड्स है तो क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। लिव को क्वालिफाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे आपको पहचानना होता है। नाउन फ्रेज की बात करते हैं, ये तो नाउन फ्रेज तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने सेंटेंस एनालिसिस में बताया था, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है।
अब बात करते हैं नाउन कहाँ लगता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में नाउन आ जाए या वर्ब के ऑब्जेक्ट में नाउन आ जाए वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इन दोनों वर्ड्स में अगर कोई फ्रेज आ जाए तो फ्रेज नाउन फ्रेज हो गया, और ऑब्जेक्ट में कोई फ्रेज आ जाए तो आपका ऑब्जेक्ट आपका नाउन फ्रेज हो गया। जैसे कि इस के लिए क्या लगा है, अर्ली टू द बेड। अब अर्ली टू द बेड पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। तो नाउन आ सकता है तो सीधी सी बात है, ये जो फ्रेज हुआ ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज। ही होप्स व्हाट, ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। तो होप्स का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है, और नाउन आ सकता है, तो नाउन नहीं आया, एक वर्ड नहीं है तो नाउन नहीं, ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा। सिंपल। वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट, वी एंजॉय व्हाट, व्हाट का जो आंसर होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन आता है, एक वर्ड आया तो नाउन, एक से ज्यादा वर्ड आए तो क्या, नाउन फ्रेज। सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ही दे रखे हैं, जैसे टू विन प्राइज क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट में क्या आ गया, नाउन आ गया, नाउन आ गया तो मेरे भाई एक वर्ड है तो नाउन, एक से ज्यादा वर्ड्स है तो नाउन फ्रेज हो गया। सिंपल, ठीक है। मेरे ख्याल में आपको एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन फ्रेज में अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस एनालिसिस की वीडियो देखिए, उसके बाद आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, एडवर्ब कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और फिर इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कहाँ से करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।